हेलो एवरीवन, निवेदिता देवनाथ का एक क्वेश्चन था जो कि बेसिकली रिलेट करता है एसएपी से, जिसे हम सिस्टम्स एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड द क्वेश्चन वाज कि जी एसएपी एपीओ सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग पे कैन यू मेक अ समरी वीडियो। देखें, एसएपी का एक मॉड्यूल है एडवांस प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एपीओ भी कहते हैं। APO का ये मॉड्यूल आपको डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, लाइक दी डिमांड प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग एज वेल। देखिए, कोई भी SAP का मॉड्यूल है, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उसने आपको रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, रियल टाइम विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, जो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसे यकीनी बनाना है, और साथ ही साथ जो है वो क्विक डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपको हेल्प आउट करना है। और डेफिनेटली जब आपकी ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मीट हो रहे होते हैं, तो आपकी फोरकास्टिंग्स भी जो है वो इन्हांस हो रही होती हैं, आपके इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो मैनेज कर पाते हैं, जो भी प्रोडक्शन की प्लानिंग्स हैं या जो भी प्रोडक्शन के स्केड्यूलिंग्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही होती हैं, और आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस होती है। तो ये जो सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का कॉम्पोनेंट है इन APO, ये मेनली फोकस करता है आपकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बाय ऑप्टिमाइजिंग दी सप्लाई चेन नेटवर्क। और सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का कंपोनेंट आपको हेल्प आउट करता है टू मैनेज योर सप्लाई चेन ऑपरेशंस। देखिए, सप्लाई चेन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यू शुड हैव अ विजिबिलिटी ऑफ थ्री थिंग्स, लाइक द फर्स्ट वन इज कस्टमर डिमांड, के व्हाट आर द नीड बॉन्ड डिजायर एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। द सेकंड थिंग इज सप्लाई कैपेबिलिटी और सप्लाई कैपेसिटी, मींस व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैकेनिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज व्हिच यू हैव। एंड द थर्ड वन इज इन्वेंट्री लेवल्स, लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज इन आर सिस्टम, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज होती हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज होती हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज होती हैं। तो ये जो सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का कॉम्पोनेंट है, ये भी इन्हीं तीनों चीज़ों को जो है वो सिंक्रोनाइज करता है और आपको हेल्प आउट करता है फॉर फर्दर क्विक डिसीजन मेकिंग और फर्दर प्लानिंग फॉर नेटवर्क डिज़ाइन। मीन्स जो भी आपकी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी होंगी और कहाँ उनकी लोकेशंस होंगी और वो कैसे एक साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, व्हाट विल बी दी फाइनेंशियल, ह्यूमन, मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज विच यू विल बी नीडेड। और साथ ही साथ जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का, वो है कि दी डिमांड एंड सप्लाई मैचिंग। देखें, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का जो कॉम्पोनेंट है इन APO, ये आपको हेल्प आउट करता है टू मैच दी डिमांड एंड सप्लाई बाय प्रोवाइडिंग यू दी विजिबिलिटी रिगार्डिंग कस्टमर डिमांड, रिगार्डिंग योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिगार्डिंग द इन्वेंट्री लेवल्स, के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें जो है वो आपने मेनली फोकस करना है, ताकि आप अपने सप्लाई चेन के ऑपरेशंस के जो भी फंक्शंस हैं उन्हें आप स्ट्रीमलाइन कर सकें और जो भी बॉटलनेक्स हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर सकें। द थर्ड फंक्शन ऑफ सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। देखें, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग का जो कॉम्पोनेंट है इन APO, ये आपको हेल्प आउट करता है टू मेक अ कॉस्ट अफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बाय कंसिडरिंग मैनी फैक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लीड टाइम, और साथ ही साथ जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ इन्वेंट्री के लेवल्स क्या होंगे, ये भी जो है वो सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग में जो है वो डिफाइन किया जाता है, ताकि आप वो शॉर्ट और एक्सेस इन्वेंट्रीज वाले जो भी इश्यूज हैं उन्हें एलिमिनेट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी समरी ऑफ सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग इन APO ऑफ SAP, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, then you are welcome in the comment section.